नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने ये सुजुकी कंपनी का 125 सीसी में बहुत ही स्टाइलिश स्कूटर खड़ा हुआ है जिसका नाम है बर्गमैन स्ट्रीट। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये स्कूटर आता है, आप देख लो, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और मैं आपको इसके बारे में बताने वा रहा हूँ, ये सामने आपको वाइज़र मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट में वाइज़र देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का ये स्कूटर देखने को मिलता है और आगे की जो हेडलाइट है वो आपको LED में देखने को मिलती है पूरा सेटअप। और देखो जल भी रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, और ये आपके हेलोजन में इसके इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और इसका जो मीटर कंसोल है पूरी तरह से LED में है। कनेक्टिविटी आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ किस तरह से ऑन होता है। ये देखो, ये इस टाइप से ऑन होते हैं। वार्निंग लाइट भी देखने को मिलती है इसके अंदर, पावर मोड और इको मोड भी देखने को मिलता है, आप टाइमिंग देखने को मिलता है, सर्विस रिमाइंडर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यानी कि जो कुछ ज़रूरी है इस मीटर कंसोल में वो सब कुछ देखने को मिलता है। डिजिटल मीटर देखने को मिलता है इसमें। ये जो है आपका इंजन किल स्विच और सेल्फ इसी के अंदर देखने को मिलता है। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का हॉर्न काफ़ी ज़बरदस्त बज रहा है, ये देखिए। और सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। और की दिखा दूँ मैं आपको, इस गाड़ी की कुछ इस टाइप से है। इग्निशन मैं लगा देता हूँ, इग्निशन में ही आपका सीट खोलने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये देखो मैंने सीट खोल दी है इसकी। और बूट स्पेस लगभग 22 लीटर का देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से, देखो बढ़िया लग रहा है। और पीछे से ही तेल भरेगा इस गाड़ी के अंदर, तो 5.5 लीटर इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरेगा। E20 में ये गाड़ी देखने को मिलती है, ये देखो E20 लिखा हुआ है, ये E20 में गाड़ी देखने को मिलती है। मैं बंद कर देता हूँ, हाफ फेस हेलमेट आ जाएगा। और गाड़ी की जो सीट हाइट है वो 780 mm की देखने को मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का देखने को मिलता है। बैक प्रोफाइल में आपको बैक लाइट आपकी LED में देखने को मिलती है, हैलोजन में इसके इंडिकेटर, नंबर प्लेट लगाने की जगह सुजुकी ब्रांडिंग आ जाती है, और यहाँ पर नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए लाइट भी दी गई है। और गाड़ी 125 सीसी में देखने को मिलती है। गाड़ी का जो टॉर्क है वो 10 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतरीन लग रही दोस्तों गाड़ी। और दोस्तों लगभग इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,22,000 रुपये का आपको पड़ जाएगा, बेहतरीन लग रही है। और इसका जो माइलेज है दोस्तों, अगर बेहतर कंडीशन में चलाओगे तो 50 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से ये माइलेज दे देगी। और ब्रेक्स आगे जो हैं आपके 190 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो ये। और टायर सेटअप जो आगे का है वो 90x90 और 12 इंची का इसका आगे का टायर सेटअप देखने को मिलता है। 12 इंची के इसके व्हील साइज़ जो कि ट्यूबलेस में है, अलॉय व्हील में गाड़ी देखने को मिलती है, ब्लैक कलर के अलॉय व्हील है। पीछे का जो टायर सेटअप है 90x100 और 10 इंची का इसका व्हील साइज़ पीछे का देखने को मिलता है। मफलर भी काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलता है। और पीछे से देख लो गाड़ी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। सस्पेंशन की बात करूँ तो पीछे आपके स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो कि स्विंग आर्म स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन कहलाते हैं। गाड़ी सेल्फ और किक दोनों से स्टार्ट होगी। गाड़ी में साइड स्टैंड में इंजन पावर कट वाला सेंसर भी देखने को मिलता है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये हुए हैं और आप देख सकते हो गाड़ी की जो बॉडी है फाइबर की है, ये देख लो फाइबर है। और आगे का जो मड गार्ड है वो आपका मेटल में यूज़ हुआ है। और इसके ऊपर भी, टायर के ऊपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग से मड फ्लैप यूज़ हुआ है और एक मड गार्ड यहाँ से, यानी कि जो डस्ट वगैरह है पीछे वाले जो मतलब पीछे गाड़ी चलती है उन पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। गाड़ी के कलर्स देख लो कितने कलर्स हैं, 1, 2, 3 और ये डार्क ब्राउन, 4 कलर गाड़ी में यूज़ हुए हैं दोस्तों, है ना। तो 4 कलर में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।